हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो आज का जो टॉपिक है आज का, तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके नोट्स भी मैंने आपको सेंड किए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहला पार्ट पढ़ाया और उसके बाद सीधे 10वें पार्ट पर चले गए, क्यों? मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि हमारे पास जो ये कुल 16 चैप्टर हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये जो 5 चैप्टर हैं ये हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के अंदर आगे। ठीक है, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 4 चैप्टर, 6 7 8 9, 1 2 3 4 चैप्टर। जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और आनुवंशिक एवं जैव प्रक्रम, जो ये 4 चैप्टर हैं ये आगे जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, और इसके बाद प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये 4 चैप्टर ये आगे हमारे भौतिक विज्ञान में। ठीक है, और बाकी के जो हमारे और हैं, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, ये हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। तो पहले हम यहाँ से जैसे कि एक चैप्टर पढ़ लिया बहुत रसायन विज्ञान का, फिर एक चैप्टर भौतिक विज्ञान का पढ़ लिया, फिर एक चैप्टर रसायन विज्ञान का पढ़ लिया, फिर हम इसके इस तरह से पढ़ेंगे एक एक चैप्टर करके। ठीक है ना, तो अभी हमने रसायन विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कि बुक के हिसाब से 10वां चैप्टर है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जीव विज्ञान की तो एक पतली सी कॉपी अलग से बनानी है, ज्यादा मोटी नहीं बनानी है, लेकिन रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की एक मोटी कॉपी बनाना और उसके 2 भाग कर देना, आगे रसायन विज्ञान का काम कर देना और 20 से 2 हिस्से कर देना, और पीछे 20 से स्टार्ट करना और उसमें भौतिक विज्ञान का काम कर देना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं को अपने आसपास देखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ये कौन सी वस्तु है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि किसी अंधेरे कमरे में जाओ और किसी वस्तु को पहचानो, तो क्या आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे या नहीं देख पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमरे में लाइट जलानी पड़ेगी या कमरे को प्रकाशित करना पड़ेगा जिससे कि वस्तु दृश्यमान हो। तो ऐसा वह क्या है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, तो वह है बच्चों प्रकाश। प्रकाश ही किसी वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। ठीक है ना, अब होता क्या है अक्सर में कि माना कि ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, ये कोई वस्तु है, अब प्रकाश किरणें इस वस्तु पर पड़ती हैं और वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ये परावर्तित प्रकाश, इस वस्तु पर पड़ने वाला परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हम उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं और इससे हमें वस्तु दृश्यमान होती है या इससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि ये ट्रांसमिट है, ये कोई पटरी है, ये पारदर्शी है, ये एक स्केल है मेरे पास, तो ये एक इसके आर पार हम देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश क्या हो रहा है, इसमें से इसके आर पार जा रहा है, इसमें से ट्रांसमिट हो रहा है प्रकाश, इसके पार जा रहा है, इसमें से गुजर करके, इसलिए हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। लेकिन अपारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं उसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश उससे ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, उसके पार नहीं जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश इसमें से गुजर करके इस ओर नहीं जा पा रहा है, तो ये अपारदर्शी है, समझ रहे हो भाई? ठीक है, तो इस तरह से हम अपने जीवन में प्रकाश की अनेक अद्भुत घटनाएं देखते हैं, जैसे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग। ठीक है, हाँ, तो ये अनेक प्रकार की घटनाएं हम
क्या बोलते हैं, अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं प्रकाश की। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अध्ययन करेंगे, प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे कि परावर्तन अपवर्तन का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ, और दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, इस तरह से अनेक सारे प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए, आज हम मुख्य रूप से जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन नियम के पढ़ने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है तो हम इसको प्रकाश की किरण कहते हैं, और प्रकाश की किरण को इस तरह से एक सीधी रेखा खींचते हैं और आगे से तीर का निशान लगा देते हैं, तो प्रकाश की किरण को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज, किरणों के समूह को। अब जो ये किरण है ना, प्रकाश की किरण, ये बहुत सारी किरण जब आपस में एक समूह में होते हैं इस तरह से, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, एक किरण पुंज है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है विवर्तन। यदि प्रकाश के पथ में, जैसे कि ये प्रकाश गमन कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर इस प्रकाश के पथ में रखी कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, जैसे कि यहां पर इस प्रकाश के पथ में मैंने कोई अपारदर्शी वस्तु रखी है, पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, यानी कि प्रकाश इसके आर पार नहीं जा सकता है, ठीक है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाएगा, समझ रहे हो भाई। मैंने क्या क्या, प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो और प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है, और या इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, तो इस प्रभाव को हम विवर्तन कहते हैं, ठीक है। हाँ, प्रकाश के पथ में हमने एक छोटी सी वस्तु रखी और प्रकाश क्या है, एक सरल रेखा में गमन नहीं करेगा बल्कि इसके किनारों पर मुड़ जाएगा, तो इस घटना को या इस प्रवृत्ति को हम विवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण का किसी तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटना, माना कि ये कोई तल है और प्रकाश इस तल पर टकरा रहा है और वापस आ रहा है, जैसे कि प्रकाश की किरण है, ये इस तल पर टकरा गई और वापस आ गई, फिर इसके अंदर नहीं गई बल्कि टकरा करके वापिस आ गई, तो इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश किरण का किसी माध्यम से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटना, वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, समझ गए ना। हाँ, ये कोई तल है, ठीक है, और यहां पर कोई प्रकाश की किरण टकरा रही आ रही है और इसके तल पर पड़ रही है, अब इसके अंदर नहीं जा रही है बल्कि यहां पर टकरा करके फिर इसी माध्यम में वापिस आ रही है, तो इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे भाई, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक पॉलिश किया हुआ दर्पण लिया, जैसे कि आप घरों में आप जिसका दर्पण का हम आप प्रयोग करते हैं, एक कांच होता है और उस कांच के एक साइड पर पॉलिश की होती है, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, ये इस तरह से एक साइड पर ये पॉलिश की हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मैंने क्या किया, एक कांच लिया, एक पॉलिश किया हुआ दर्पण लिया, ठीक है, वैसे आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैंने इस पर एक आभासी अभिलंब खींचा, मान लिया मैंने इस बीच में यहां पर एक अभिलंब है ये, ठीक है। अब कोई प्रकाश की किरण इसके तल पर कहां पर, ठीक यहां पर N पर, जिसको मैंने आपतन बिंदु कहा है, आपतित किरण यानी कि इस तल पर पड़ने वाली जो किरण है, इस तल पर जो किरण पड़ रही है उसको मैं कहूंगा आपतित किरण, तो आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ रही है ना, ठीक है, और यहां से परावर्तित हो रही है, वापिस जा रही है इसी माध्यम में, तो इसको बोलूंगा मैं परावर्तित किरण, ठीक है, और ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अब आपतन कोण, इसका नियम क्या है, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो, आपतित किरण के द्वारा, ये आपतित किरण है ना, इसके द्वारा अभिलंब के साथ यहां पर एक कोण बन रहा है, कोण आई, जो है आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहां पर ये किरण परावर्तित हो रही है और इसके द्वारा, इस परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ यहां पर एक कोण बन रहा है, ये वाला आर, कोण आर, ये है परावर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण जो आपतित किरण से बन रहा है, और ये है परावर्तन कोण जो अभिलंब के साथ ये परावर्तित किरण से बन रहा है, आर, आई और आर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आई और कोण आर, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 30 ही डिग्री होगा। समझ रहे हो भाई? अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 ही डिग्री होगा। यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला देखिए, दूसरा, आपतित किरण दर्पण का आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण ये, और परावर्तित किरण ये, और अभिलंब ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर, ये आपतन बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है, और जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल में होते हैं, ये ठीक है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, ये दर्पण के आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो परावर्तन के ये दो नियम थे, यहां पर स्थित होते हैं। तो परावर्तन के नियम गोलीय दर्पणों सहित सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होते हैं। जो परावर्तन का नियम है, ये किसी भी तरह का पृष्ठ हो, चाहे वो समतल हो चाहे गोलीय हो, चाहे ये समतल है चाहे इस तरह से गोलीय पृष्ठ है, सभी प्रकार के पृष्ठों पर क्या होता है, आप परावर्तन के नियम लागू होते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। जो समतल दर्पण, जिस दर्पण का हम घरों में प्रयोग करते हैं, तो उस दर्पण पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। अगला, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। यानी कि ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण, एक साइड इसकी पॉलिश की हुई है, ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई बिंब रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगी, जो इस दर्पण पर जब हम अपना चेहरा देखते हैं जैसे दर्पण पर, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण पर बनता है। इसी तरह से यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और दर्पण पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। तो इस वस्तु का साइज और इस दर्पण पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, इसका साइज, दोनों दोनों का साइज क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है तो यहाँ छोटा बनेगा, नहीं। समतल दर्पण पर वस्तु का जो जो वस्तु या बिंब का साइज होता है, वही प्रतिबिंब का भी साइज होता है जो दर्पण पर बनता है, ठीक है। उसके प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इस लाइन का अर्थ क्या हो गया, यानी कि जो ये वस्तु होती है, इसका प्रतिबिंब दर्पण पर उतना ही पीछे बनेगा जितनी दूरी पर ये रखी है। माना कि ये वो वस्तु है, ये दर्पण पर 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर से ये वस्तु का, वस्तु रखी है दर्पण से, तो दर्पण पर जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण के अंदर 1 मीटर दूरी पर ही दिख बना हुआ प्रतीत होगा हमें, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ हो गया कि दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है। यानी कि ये अगर दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, 1 मीटर दूरी पर ही बनेगा, ठीक है भाई। तो ये थे, आज हमने पढ़ा परावर्तन, परावर्तन के कुछ नियम, और समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा होता है, और वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। तो बच्चों, आज हमने परावर्तन का नियम पढ़ा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। और या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप
मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।